बच्चे लोग काफी मस्ती के साथ नहाते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ है और काफी एंजॉय के साथ लोग नहा रहे हैं। और यहाँ पे घाट बहुत खतरनाक है, काफी स्लिप कर रहा है पैर, यहाँ पे पिछुल हो चुका है गंगा मिट्टी के कारण, और लोग पानी से नहा करके निकल रहे हैं इसी के कारण बहुत पिछुल हो चुका है। लेकिन आज वैसे मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिन किया है। और देखिए सारे श्रद्धालु लोग बांस में पकड़ करके सारे लोग नहा रहे हैं, स्नान करते हुए नजर आएंगे आप लोग को। तो फ्रेंड्स आप हमारे ब्लॉग में बने रहेंगे, हम आप लोग को गंगा घाट का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। आज हम लोग भी गंगा स्नान करने आए हुए हैं, कार्तिक पूर्णिमा है तो सोचे कि हम लोग भी गंगा स्नान कर लेते हैं और आप लोग के लिए ब्लॉग वीडियो बना लेते हैं। देखिए कैसे सारे लोग स्नान करते हुए नजर आएंगे आप लोग को, और साइड साइड में बांस बांधा गया है, बांस पे बैठ करके सारे लोग स्नान करते हुए नजर आएंगे। देखिए कैसे बांस पे चारों तरफ खड़ी है लोग, लेकिन वैसे नहीं खड़ी होना चाहिए, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है यहाँ पे। हम लोग चलते हैं पानी के तरफ, पानी का ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे आप लोग को, कैसे कैसे सारे लोग नहा रहे हैं सब वीडियो दिखाएंगे। देखिए सारे लोग सेल्फी वगैरह भी लेते हुए नजर आएंगे आप लोग को। देखिए कैसे सारे लोग नहा रहे हैं, काफी बच्चे लोग मस्ती करते हुए नहाते हुए नजर आएंगे आप लोग को। देखिए कैसे नहा रहे हैं सारे लोग। तो आगे का ब्लॉग वीडियो दिखाते हैं, आगे फिर चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग को ब्लॉग वीडियो दिखाने के बाद फिर हम गंगा स्नान करेंगे, वैसे हम भी गंगा स्नान ही करने आए हुए हैं। देखिए कैसे, ये देखिए बार कोडिंग के साइड गए हैं नहाने, लेकिन उस साइड नहीं जाना चाहिए, पानी नाप करके बांधा गया है। लेकिन जो लोग को तैरने आता है वो लोग उस साइड चले जाते हैं नहाने के लिए। देखिए कैसे सारे लोग नहाते हुए नजर आएंगे आप लोग को। और यहाँ पे ये आंटी नहा चुकी है, यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह कर रही है, देख सकते हैं ब्लॉग वीडियो में आप। देखिए इनका स्नान हो चुका है, स्नान करने के बाद ये पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगी। गंगा माँ के जो लोग नहाते हैं वो लोग गंगा माँ के पूजा अर्चना जरूर करते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये आंटी लोग पूजा वगैरह कर रही है। देखिए कैसे सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, बच्चे वगैरह हैं जो पूरा मस्ती के साथ नहा रहे हैं, क्योंकि आज धूपा किया है, ठंडा वगैरह है नहीं, फिर भी गंगा माँ का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जड़े कार्तिक ब्लॉग, दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग गंगा जी आए हुए हैं और आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और देख सकते हैं ब्लॉग वीडियो में गंगा तट पे काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं गंगा स्नान करने। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहेंगे, हम आप लोग को गंगा घाट का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। देखिए साइड में पूरा सामग्री बिक रही है पूजा अर्चना वाला, और देखिए साइड में मांगने वाले बैठे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, देख सकते हैं ब्लॉग वीडियो में। और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ फोर्स भी दे दी गई है। तो चलते हैं हम लोग गंगा तट की तरफ, देखिए बहुत सारे मांगने वाले बैठे लोग हैं साइड में, और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सामग्री वगैरह बिक रही है, यहाँ पे देखिए पूजा का सामान, सारा सामान यहाँ पे बिक रही है। जो लोग गंगा स्नान करने आते हैं यहीं से पूजा का सारा सामग्री खरीदते हैं, देख सकते हैं ब्लॉग वीडियो में। तो चलते हैं हम लोग गंगा तट की ओर, काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और काफ़ी ढेर सारी सामान बिक रही है यहाँ पे, लाई वगैरह हर कुछ बिकता है, देख सकते हैं ब्लॉग वीडियो में। जो लोग स्नान करते हैं वो लोग लाई जरूर खरीदते हैं। देखिए गंगा तट पे काफ़ी लाई बिक रही है। तो हम लोग चलते हैं गंगा जी की ओर, गंगा जी की तरफ चलते हैं। देखिए इधर काफ़ी दुकान लगाई गई है गंगा तट पे, देखिए बहुत सारे यहाँ पे लाई वगैरह बिक रहे हैं, और यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है, हवन वगैरह हो रहा है, देख सकते हैं ब्लॉग वीडियो में आप। तो चलते हैं आगे की ओर, गंगा तट की ओर, बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है यहाँ पे, तो हम यहाँ का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे आप लोग को। और ये देखिए यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाया गया है, गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पे लोग कपड़ा चेंज करते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाई गई है। गंगा स्नान करने के बाद लोग कपड़ा चेंजिंग करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए काफी लोग स्नान करते हैं, नजर आ रहा है। तो चलते हैं आगे की तरफ, आगे के ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे, देखिए कैसे सारे लोग नहा रहे हैं। और यहाँ पे पूरा बांस वगैरह बांधा गया है, लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी लोग स्नान करते हुए नजर आएंगे, और बहुत ज्यादा कीचड़ है यहाँ पे, पैर स्लिप करने का डर है, बहुत ज्यादा कीचड़ है, तो हम लोग बच बच करके जाएंगे। देखिए कैसे सारे लोग नहाते हुए नजर आएंगे आप लोग को, बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है यहाँ पे। और जो छठ पूजा में बांस बांधा गया था वो अभी वैसे ही पड़ा हुआ है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, और सारे लोग बांस के इस साइड ही नहाते हुए नजर आएंगे आप लोग को। तो हम आप लोग को घाट का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, देखिए कैसे सारे लोग जो नहा लिए हैं वो घर को जा रहे हैं, जो नहीं नहा है वो जा करके नहाते हुए नजर आएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण देखिए घाट में पूरा कीचड़ वगैरह हो चुका है, पूरा कीचड़ हो गया है, और सारे श्रद्धालु लोग नहाते हुए नजर आएंगे आप लोग को। और जो लोग नहा लिए हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए कैसे सारे श्रद्धालु लोग नहा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। तो आगे हम दिखाते हैं, चलते हैं पानी की तरफ, वहाँ का भी ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे हम आप लोग को। और यहाँ पे देखिए पूरा बोड़ी वगैरह रख दी गई है, देखिए कैसे सारे लोग नहाते हुए नजर आएंगे। और काफ़ी दूर दूर से लोग नहाने आते हैं, गाँव के तरफ से पूरा सारे लोग आते हैं नहाने गंगा जी में। और देखिए यहाँ पे गंगा तट पे कितना सारा कचरा फेंका गया है, लेकिन ये नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि सारे लोग स्नान वगैरह करते हैं। देखिए सारे लोग कैसे नहाते हुए नजर आएंगे, और जो लोग नहा चुके हैं वो कपड़ा चेंज करते हुए नजर आएंगे आप लोग को। अधिकतर लोग यहाँ पे गांव से आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि साल भर पर एक बार ये गंगा स्नान आता है। देखिए काफ़ी लोग सेल्फी वगैरह लेते हुए नजर आएंगे, और काफ़ी लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो घाट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, नहीं जाना पॉसिबल है, इसीलिए हम ऊपर से आप लोग को ब्लॉग वीडियो दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ब्लॉग में। देखिए कैसे सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं लोग गंगा स्नान करने। देखिए कैसे सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं। और देखिए कैसे सारे श्रद्धालु लोग नहाते हुए नजर आएंगे मस्ती के साथ, फुल एंजॉय के साथ लोग नहा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है यहाँ पे। तो हम चलते हैं अंदर की ओर, अंदर का भी ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे काफ़ी स्लिप कर रहा है पैर, देखिए कैसे यहाँ पे सारे लोग स्नान करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आएंगे आप लोग को, बहुत दूर दूर से आते हैं गंगा जी नहाने सारे लोग। और गंगा तट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखिए सारे लोग जो लोग स्नान कर चुके हैं वो कपड़ा धोते हुए नजर आएंगे आप लोग को, और जो लोग नहीं नहाए हैं देखिए गंगा जल ले जाने के लिए काफ़ी लोग डब्बा वगैरह भी लाए हुए हैं, देख सकते हैं ब्लॉग वीडियो में आप। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है यहाँ पे। फ्रेंड्स आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहेंगे, हम आपको तो गंगा घाट का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, देखिए कैसे सारे लोग नहाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने आते हैं, गांव वगैरह से आते हैं, क्योंकि गंगा स्नान पूरे साल भर के बाद आता है ये पूजा, और एक तरह से ये पर्व हुआ। गंगा स्नान करके लोग पूजा अर्चना करते हैं, इसके बाद फिर अपने अपने घर को जाते हैं। और देखिए गंगा जी में आप लोग को ध्यान से देखिएगा, NDRF की टीम चारों तरफ से मार्केटिंग करते हुए नजर आएंगी। देखिए कैसे सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ नहा रहे हैं, मस्ती से नहा रहे हैं। वैसे गंगा जी में नहाने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। देखिए ये भैया पानी लाने जा रहे हैं, गंगा जल लाने जा रहे हैं ये। देखिए यहाँ पे गंगा जल लाने जा रहे हैं गंगा जी में,
गंगा जल लेकर के इसके बाद फिर अपने घर को जाएंगे, क्योंकि पूजा अर्चना करने में बहुत काम आता है। यहाँ का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, गंगा माँ का पानी कितना गंदगी रहता है, देखिए यहाँ पे कितना कचरा फैला हुआ है गंगा जी में, लेकिन फिर भी गंगा जी का पानी शुद्ध होता है, बहुत अच्छा होता है गंगा जी के पानी। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी लोग स्नान करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी दूर दूर से आते हैं सारे लोग नहाने। देखिए कैसे सारे लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। और नहीं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार से मैं आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।